हेलो गाइस वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो नियंडरथल मैन है जो मिडिल पैलेथिक पीरियड में पाया जाता था इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे नियंडरथल क्या है तो नियंडरथल एक मैन है जो कि uh, मिडिल पैलेथिक पीरियड में पाया जाता था द नियंडरथल इज़ एन एक्सटेंट मेम्बर ऑफ द ह्यूमन होमोलिनियस सम बोन्स ऑफ दिस प्रिमिटिव मैन हैव बीन फाउंड इन द नेंडर वैली इन जर्मनी हैंस इट हैज़ बीन नेम्ड नेंडल मैन करने के मतलब कि ये जो नेंडेथल मैन है ये होमोवंस का एक विलुप्त कड़ी है सदस्य है जर्मनी में नेंडर की घाटी में ये जो प्रिमिटिव मैन है इसका जो बॉन्स कुछ मिला था वहाँ मिलने के रीजन से ही इसे नेंडेथल मैन का नाम दिया गया इट्स स्टेचर वॉज स्मॉलर देन दैट ऑफ अदर ह्यूमन रेसेस इट लिव्ड इन वेस्टर्न यूरोप वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका इट लिव्ड अबाउट वन सिक्सटी थाउजेंड ईर्स एगो नाउ इसका जो कद है जो हाइट है वो ह्यूमन रेसेस की अपेक्षा काफ़ी शॉर्ट था छोटा था ये वेस्टर्न यूरोप वेस्ट एशिया अफ्रीका इत्यादि जगहों में ये रहता था यह आज से लगभग वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ईयर्स पूर्व रहता था इट्स अ डिवीजन इज डन एज अ सब स्पीसीज ऑफ मैन इट्सेल्फ इट्स हाइट रेंज फ्रॉम फोर पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव फिट स्टडीज़ कंडक्टेड इन टू थाउजेंड सेवन सो दैट देयर हेयर कलर वॉज रेड एंड स्किन वॉज येलो इसकी जो श्रेणी जो कैटेगरी है इसका विभाजन एक मनुष्य की ही एक उपजाति यानी सब स्पीसीज के रूप में किया जाता है और इसकी जो हाइट है वो साढ़े चार से लेकर साढ़े पाँच फिट तक की इसकी हाइट था और टू थाउजेंड सेवन में जो भी स्टडी किया गया स्टडी से पता चला कि इनके जो हेयर है निंड के वो हेयर वो रेड कलर के होते थे और स्किन का जो कलर था वो येल्लोइ था येलो था साइड यानी कहाँ कहाँ से निंडित के फॉसल्स पाए गए हैं जैसे जर्मनी जिब्राल्टर, फ्रांस रोम यूगोस्लाविया प्लेटीन इससे बहुत सारे ऐसे साइट्स है जहाँ से, से निर्णय के फॉसल्स पाए गए हैं अगर हम इनकी साइट्स के बात करें तो जर्मनी निर्दर का जो फर्स्ट जो असिश है यानी जो फॉसल्स है वो डिस जो जर्मनी में एक जगह है वहाँ स्थित है वहाँ से मिला है एटीन फिफ्टी सिक्स की बात है तो जर्मनी जो शब्द है जर्मनी शब्द में थल का अर्थ होता है घाटी यानी फैली इसलिए इसका नाम नेंडर थल पड़ा नेंडर एक जगह है और थल का अर्थ होता है घाटी यानी नेंडर घाटी से मिलने के कारण इस मैन का नाम क्या हो गया नेंडर थल सबसे पहले जो इसका फॉसल्स है वो एटीन फोर्टी एट में जिब्राल्टर वहाँ से इसका फॉसल्स मिला था निश्चित तौर पर शिकार तो नहीं किया जा सकता कि जर्मनी एक उच्च कोटि के वैज्ञानिकों का मतलब जो भी फॉसल्स है वो वहाँ से मिला है लेकिन यहाँ पे जब रिसर्च किया गया जिब्राल्टर से तो जो भी फॉसल्स मिला तो उसे जिब्राल्टर वन या जिब्राल्टर टू का नाम दे दिया गया जिब्राल्टर जो टू रखा गया जिसे डेवल स्टावो चाइल्ड के रूप में भी जाना जाता है और एक फीमेल इंडरथल बेबी स्कल के पाँच फॉसल्स यानी फाइव फॉसल्स कम्बाइंड मिले तो एक टाइटल है ये डेवल स्टावर चाइल्ड ये एक फीमेल इंडर्थल बेबी का जो स्कल मिला है उसके साथ फाइव जो फॉसल्स मिले हैं तो उसका ये कंबाइंड टाइटल हो गया डिस्कवर्ड ब्रिटिश ओवरसीज टेस्ट्री यानी जिब्राल्टर में डिस्कवर्ड हुआ था वहाँ से मिला था फॉसल्स की खोज नाइनटीन ट्वेंटी में डोरथी जाडोड इनके थ्रू जिब्राल्टर में हुआ था और जो जगह थी जिब्राल्टर में तो डेवल टावर मॉस्ट्रेरियन रॉक सेंटर यही से जिब्राल्टर टू उसका फॉसल्स काफ़ी मिला था और इसकी सेकेंड जो खोपड़ी है दूसरी जो खोपड़ी है वो जिब्राल्टर टू से मिला था जिब्राल्टर वन नाइनटीन फोटी एट में जिब्राल्टर टू की खोज यहाँ से हुआ था ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की बात करें उसकी बिगनिंग की तो जिब्राल्टर टू का पुनः निर्माण हुआ था जिसमें उसके स्ट्रक्चर में, में काफ़ी इम्प्रोवमेंट आ गए थे जिब्राल्टर में कंटिन्यू जो खुदाई है वो जारी रहा और टू थाउजेंड सिक्स की बात करें तो जिब्राल्टर के कैब से और चारकोल की रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू वहाँ जिब्राल्टर से पता चला कि अभी भी आश्चर्य स्थल बनी हुई है जहाँ पे उनका आसियाना था निंड स्थल का वहाँ पे जो उस वक्त वो वहाँ पे जीवित रहते थे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से निंडस्थल के और से यानी फॉसल्स मिले हैं अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के कई स्थानों से भी प्राप्त हुआ है इसलिए इसके अस्तित्व में किसी प्रकार का को कोई डाउट नहीं है हम यहाँ विभिन्न प्रकार के साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि जर्मनी है जो मैंने बताया कि जर्मनी के नेंड्रथल वैली से मिलने के कारण इसका नाम नेंडरथल मैन पड़ा और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये नेंडरथल मैन के फॉसिल्स मिले हैं जैसे फ्रांस हो गया जर्मन रोम इगोस्लाविया पलस्टीन हो गया तो ये सभी देशों से नेंड्रथल के फॉसल्स मिले हैं अगर फ्रांस की बात करें तो नाइनटीन हंड्रेड एट में फ्रांस में कॉरेज एक जगह है वहाँ ला चेपल एपोलो सेंट्स नमक जगह से यहाँ से इसके फॉसल्स देखने को मिला प्राप्त हुआ है इसको देखने से ऐसा फील होता है कि जानबूझकर इसे भूमि में गाड़ा गया होगा ये जो अगर निर्ड और अगर डेथ क्या होगा तो उसे उसके बॉडी को क्या कर दिया गया था भूमि में गाड़ दिया गया था और इसके आसपास कई टूल्स भी पाए गए हैं जिससे उस समय क्या सिविलाइजेशन था क्या कल्चर था इसका हम इमेजिनेशन कर सकते इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम में कोई भी मरता था तो डेड बॉडी के साथ गड्ढे में उसे गाड़ा तो जाता था साथ ही जो आ, टूल्स जो यूज़ क्या करते थे निंडल मैन वो टूल्स को भी साथ में आ, उस बॉडी के साथ उस गड्ढे में दफना दिया दा, जाता था और ठीक उसी साल नाइनटीन हंड्रेड एट की ही बात करें तो फ्रांस के डॉडेज एक जगह है वहाँ के ला मॉस्टियर प्रोविंस से भी पंद्रह साल के एक युवक का वहाँ से ह्यूमन स्क्लेटन मिला है कितना इयर्स का ओल्ड था वो फिफ्टीन इयर्स ओल्ड था वो बंदर जिसका ह्यूमन स्क्लेटन वहाँ से मिला है जो निंड थल मानव का ही था और जो वो पंद्रह साल के जो युवक का जो ह्यूमन स्क्लेटन मिला है और उस स्क्लेटन में क्या है ना कि दाँत भी मिले हैं तो ना दांतों को देखने से लगता है कि दांत काफ़ी विकास स्तर पे थे वो काफ़ी विकास कर रहे थे और इसी रीजन से इस, इस, इस ह्यूमन स्क्लेटन के सारे दांत जैसे के जैसे थे वैसे ही वो सुरक्षित पाए गए थे फॉसिल्स के साथ ही टीथ जैसे पता चलता है कि उनका जो टीथ था काफ़ी वो प्रोग्रेस कर चुके थे फिर नाइनटीन हंड्रेड नाइन की बात करें तो नाइनटीन हंड्रेड नाइन से लेकर नाइनटीन हंड्रेड टेन तक या फिर फ्रांस में ही उसी एरिया में क्या हुआ फिर ला फ्रांसी एक जगह है वहाँ से फिर ह्यूमन स्केलेटन प्राप्त हुआ वहाँ से मिला और फिर उसी स्थान से फिर और भी प्रमेटिव टाइप के उसी टाइम के काफ़ी टूल्स भी मिले हैं और उन टूल्स को देखने से ऐसा लगता है कि काफ़ी वो आगे बढ़ रहे थे और उन सभी बातों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि निंडत थल उपकरणों का अच्छा खासा उपयोग करना जानते थे और वो कुछ भी काम करते थे तो उसमें वो टूल्स का वो यूज़ करते थे अगर हम जर्मनी की बात करें तो 1892 में जर्मनी के वैम्बर प्रोविंस में एक स्थान है जिसका नाम है तोबेंच इसी स्थान से एक जबड़ा यानी मैंडिबल मिला जिसको कुछ नीचे नीचे वाला मैंडबल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो पार्ट वहाँ से मिला था जैसे नियरिंग में निर्ण्रथल मानव का कहा जाता है कि वो जो मिला है मैंडिबल वो निंडरथल का ही है फिर इसके बाद यहीं से जर्मनी से ही अगर नाइनटीन हंड्रेड की बात करें तो उन्नीस सौ चौदह से लेकर उन्नीस सौ सोलह तक फिर ईयरिंग डोर्स में दो फिर मैंडिबल मैंडिबल मिला तो उन मैंडल को देख के लगता है कि वो मैंडिवल किसी बड़ी आयु वाले व्यक्ति का था यानी किसी बड़े आदमी का था और दूसरा जो मैंडल मिला वो किसी बच्चे का था यानी कि बालक का था तो ये जो भी दो ये जो मैंडबल मिला है ये निंडल मैन का ही था तो उन्नीस सौ पंद्रह में भी इसी स्थान पे फिर इसी वर्ग के एक युवक के कपाल का भाग मिला मीन्स कि नाइनटीन फिफ्टीन में क्या फिर इसी प्लेस पे एक युवक यानी एक यूथ का एक लड़के का कपाल का भाग मिला कपाल एंड स्कल उसका हाफ पार्ट जो मिला वहीं से मिला इसी प्रकार जर्मन के वैमर और ईयरिंग डॉफ्स इन स्थानों से काफ़ी मात्रा में निर्णयथल मैन के ह्यूमन स्केलेटन पाए गए जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ भी निर्णयथल भारी मात्रा में पाए जाते थे और वो उस केवल यहीं पर नहीं बल्कि यूरोप के सभी स्थानों में वो विचरण करते थे घूमते रहते थे क्योंकि घुमन तो प्राण प्राणी थे ना तो ये इन जगहों पर भी वो पाए गए थे अगर हम रोम की बात करें तो 1929 में रोम जो एक सिटी है उसके बाहर नेंडरथल का एक खोपड़ी मिला यानी कि नेंडरथल जो है सिटी है उसके बाहर एक स्कल मिला था और उस स्कल के साथ बड़े बड़े दांत वाले जानवर जैसे हाथी गेंडा और चार पैर पर पे चलने वाले बहुत भयानक भयानक मतलब काफ़ी बिग साइज़ वाले सारे एनिमल्स भी एनिमल्स के वहाँ से स्किलेटन भी वहाँ से पाए गए हैं और ये सब जानवरों के अलावा वहाँ पे जो भी एनिमल्स इसके तो स्केलेटन वहाँ मिले ही मिले इसके साथ आसपास पास वहाँ पर बहुत सारे टूल्स ही मिले देखने को मिला फॉसिल्स के साथ मिले और बहुत सारे बिग टाइप के लार्ज साइज के एनिमल्स मिले इनके साथ ही यहाँ से बहुत सारे टूल्स मिले तो इन सारे टूल्स और एविडेंस फॉसल्स को देखने से प्रूव होता है कि उस टाइम में लोग टूल्स का यूज़ करना जान गए थे उन्हें पता था कि टूल्स आ, कैसे यूज़ करना है एंड किस एनिमल्स के हंटिंग के पर्पज़ से करना है या किस काम के पर्पज़ से टूल्स का यूज़ करना ये सब जान गए थे नेक्स्ट जो साइट है युगोस्लाविया 1899 की बात करें तो युगोस्लाविया के क्रेटिना एक जगह है जहाँ पे ने मैन के एक दर्जन से भी ज़्यादा वहाँ से ह्यूमन स्केलेटन मिला है और उस ह्यूमन स्केलेटन का अगर स्टडी किया जाए तो स्टडी करने से पता चलता है कि स्लाविया के ड्रैगल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो क्रैम बर्गर हैं उन्होंने कहा कि जो भी ह्यूमन स्क्लेटन मिला है जानबूझकर कुचली गई है उन्हें जलाई गई है क्योंकि वहाँ से जो भी फॉसल्स मिला उन्हें देख के लगता है कि उन ह्यूमन जो स्केलेटन से उसको कुचल दिया गया है इसको जानबूझ कर जला दिया गया है तो इसे यह प्रूव होता है कि निर्णयथल मानव नरभक्षी था तो इगोस्लाविया में जो भी एविडेंसेस या फॉसिल्स मिले हैं तो उन फॉसिल्स को देखने से उनका स्टडी करने से हमें पता चलता है कि निर्दल मैन तो था ही इसके साथ ही वह एक नरभक्षी था नरभक्षी वैसे कहा जाता है जो आदमी आदमी को खाता है आदमी खाने वाले को नरभक्षी कहा जाता है अगर हम पेलेस्टीन की बात करें तो नाइनटीन में पेलेस्टीन के गैलीली एक समुद्र के पास एक गुफा है एक कैब है वहाँ से एक स्कल प्राप्त हुआ जिसे गैलेली वहाँ गैलेली से मिला ना तो उस उस स्कल का नाम ही रख दिया कि गैलेली स्कल और इस स्कल का जब स्टडी करने से स्टडी किया गया तो पता चला कि यह निर्णयथल मैन का ही है तो फिलिस्तीन में जब गैलेली समुद्र के पास एक गुफा मिला और वहाँ से कपाल मिला तो उस कपाल गैलेली गुफा में मिलने के कारण उस कपाल का नाम गैलेली कपाल रख दिया गया और कुछ टाइम के बाद फिर वहाँ पर रिसर्च किया गया स्टडी किया गया तो गैलेली जो समुद्र है उसकी तीस मील डिस्टेंस पे कारमिल एक माउंटेन है तो वहाँ के आस से भी तीन गुफाएँ मिले जिसमें उन उन तीन, तीन गुफाओं के अंदर दस व्यक्तियों का पंचर मिला यानी ह्यूमन स्किलेटन मिला उस गुफा के अंदर जो तीन गुफा है कार्मेल माउंटेन के आसपास तीन गुफा मिली उसमें दस आदमियों का ह्यूमन स्केलेटन मिला जिसे पता चलता है कि वो वहाँ तक भी फैले हुए थे सर आर्थर किथ इनका कहना था कि नैंडल जो मैन है इनका जो स्प्रेड है वो वो ईस्ट इंग्लैंड से लेकर प्लेस्टिन तक वो फ्लिस्टीन तक वो फैले हुए थे और नाइनटीन थर्टी वन एंड नाइनटीन थर्टी टू में भी कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स मिला है और उन ह्यूमन स्केलेटन्स को देखने से उनको ऐसा फील हुआ है मालूम है कि जानबूझकर जमीन में गाड़ा गया था और इसे निर्णयथल मानव जो है उसकी सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है तो वहाँ पर जो भी आ, रिसर्च हुआ स्टडी हुआ तो सही पता चला जैसे आ, सर आर्थर की हैं उन्हें या फिर और भी जो मानोविज्ञानिक हैं खुदाई के दौरान उन्हें ये पता चला कि नेंडथल मैन जो थे वो नरभक्शी थे नरों को खाया करते थे और जानबूझ के वहाँ पे क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे मिले हैं राख मिले हैं एविडेंस के तौर पे उसे ही पता चलता है कि वहाँ पर उन्हें जान के उनके ह्यूमस के लेटेस्ट को कुचला गया था जलाया गया था अब हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निंडल मैन तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना था कि जितना भी स्टडी हुआ निंडल मैन के ऊपर और जो भी प्राचीन मानव है तो देखा गया है कि ये एक मैन ही थे टाइप्स के जो मिडिल पैलेथिक पीरियड में पाए जाते थे एक नरभक्शी थे नलों को खाने वाले थे और इनके लिए बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो अपना अपना जू दिए हैं तो जर्मनी में निर्णित थल और फ्रांस में निर्णित थल जो पाए गए हैं उनकी जो भी ह्यूमन स्केलेटन्स पाया गया है तो जर्मनी और फ्रांस में पाए गए ह्यूमन स्केलेटन का जो हाइट था वो पाँच फिट के आसपास था और फ्रांस के ला फेरेसी जो जगह है वहाँ से जो स्केलेटन पाया गया है तो उसमें पाँच फिट से चार इंच तक पाँच फिट चार इंच तक के स्केलेटन वहाँ से पाए गए हैं तो फ्रांस के ला मॉन्स्टियर में पंद्रह वर्ष का एक युवक मिला था एक बच्चा मिला था लड़का मिला था उसका जो स्केलेटन पाया गया उसका हाइट जो था उस स्केलेटन का वो पाँच फिट का था तो जो भी स्केलेटन मिला है इसके अलावा फिलिस्तीन से बहुत सारे जो स्केलेटन्स मिले हैं बोन्स मिले हैं तो उनके हाइट के बारे में पता चलता है कि हाँ वो पाँच से चार से पाँच फिट के हाइट के रहे हैं और बहुत सारे स्कल्स भी मिला है और उन स्कल्स को देखने से ऐसा पता चलता है कि उनका जो घनत्व जो डेंसिटी होता है स्कल का वो थर्टीन हंड्रेड सेंटीमीटर से लेकर सिक्सटीन हंड्रेड डेंसिटी सेंटीमीटर्स तक के थे और इसके अलावा और जो भी बोन्स मिले हैं और सेफेलिक इंडेक्स जो है उनका कपाल का वो काफ़ी बड़ा है और भी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं तो उन्होंने डिफाइन किया कि जो जो भी स्कल मिला उसकी लंबाई और जो उसकी चौड़ाई है स्कल की वो सेवेंटी से सेंट के बीच का है तो इस, इस तरह जो उनका रेशियो था सेफेलिक इंडेक्स कहा जा सकता है और जो मिला है स्कल उसमें कान का जो छिद्र छेद है जो कैविटी कहते हैं तो उसे सिर की ऊंचाई कुछ छोटी सी जान पड़ती है और इस प्रकार जो हेड है उसे काफ़ी छोटा साइज का पाया गया है माथा जो है पीछे की ओर हटा हुआ है आँख जो है ना वो आँख को देखने से लगता है कि ऊपर की ओर भाग रहा है ऊपर की ओर आगे भाग रहा है बढ़ा हुआ है आँख और जो आँख के जो गोल है ना वो काफ़ी बिग साइज़ लार्ज साइज़ की और राउंड राउंड शेप में उनकी आइज़ होती थी और आँख की जो चौड़ाई वो काफ़ी बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता था जो कि वर्तमान मानव की तुलना में मॉडर्न मैन यानी वर्तमान मानव की अगर हम से कंपैरिजन करें तो निंडल जो मैन था उसका फेस काफ़ी लंबा था नाक काफ़ी चौड़ा था लेकिन उनकी नाक चौड़ी होने के बाद भी चपटी ना होकर नुकीली थी जैसे कितने लोगों की चपटी होती है लेकिन यहाँ पे निंडल का क्या था कि चौड़ी तो थी लेकिन चपटी नहीं थी नुकीली थी और इस तरह से वो एप्स की तरह भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाए थे ना मानव की ओर हो पाए थे तो इसे बीच कड़ी कहा जा सकता है निंडथल मैन को वानर यानी कि वनमानुस जाति में अगर देखा जाए यानी उनका नाक देखा जाए नेंडाथल का तो नेजल एपरेचर की और झुकाव वो ऊपर की ओर लिप की तरह होता है लिप की ओर था और इनके जो नोज़ थे वो उभरी हुई थी अगर हम उनकी चिक की बात करें तो चिक में जो हड्डी होती है ना वो से यानी कि एप्स उसे काफ़ी सिमिलर था और सिमिलर होने के स्थान पर मनुष्य से समानता थी यानी कि सिमिलरिटीज़ जो थी ना वो उन की जगह मानव से था निंडित जो मैन है उसकी जो चीक है उसमें हड्डियाँ जो थी उभरी हुई होती थी और इनकी जो मतलब जो कपाल है वो काफ़ी आज के मानव से अधिक समानता है तो कुछ बातों में वो उनमानुष्य से सिमिलरिटीज़ तो उनकी थी और कुछ अगर विशेषताओं की बात करें अगर हम फिजिकल कैरेक्टर की बात करें तो वो आज के मानव से मैच होती थी और उनका मुख की बात करें तो वो जो उनका जीव है ना तो मनुष्य के जीव से भिन्न था और जो आजकल के मानव का जीव है तो निंडथल का जो जीव है और यानी तंग और आज के जो हैं उनके में काफ़ी वेरिएशन था वो, क्योंकि वो काफ़ी लंबा था उस टाइम के यानी निंडथल के जो जीव होते थे ना वो काफ़ी बड़ा होता था लंबा होता था चौड़ा होता था और नीचे के जो जबड़े यानी मैंडिबल है उससे उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं यानी जो जबड़े हैं उसकी हड्डियां है ना हड्डियां जो है वो मानव से मिलता जुलता है यानी जो मैंडबल जो था निंडल का वो मॉडर्न मैन के मैंडेबल से वो मैच करता है और मनुष्य की तरह इसका जो ठोरे यानी जो चीन कहते हैं ना उभार नहीं था और जो टेंगे मांसपेशिया बोलने में सहायक कुछ एंड मास्पेशिया कमजोर दिखती थी तो जो मांसपेशिया होती है तो जीव की थी वो काफ़ी वीक थी जिसके कारण वो लोग बोल नहीं पाते थे और यही रीज़न है कि निंडथल वाणी रहित है वाणी नहीं है तो ऐसा कुछ मिला नहीं है लेकिन उनकी जो जीव की जो मांसपेशिया कमजोर होने के कारण ही वो उनकी आवाज़ नहीं थी वो कुछ बोल नहीं सकते थे और उनके दाँत छोटे न होकर बड़े बड़े थे काफ़ी बड़े बड़े थे तो निंडेथल जो मैन है उसकी बॉडी के जो भी बोन्स मिले हैं स्केलेटन मिला है वो काफ़ी स्ट्रांग होती थी काफ़ी मजबूत और पक्की होती थी और जो उनकी जांग है यानी कि फ़ीमर है तो फीमर की जो आ, से बड़ा उनका टांग और हाथ से बड़ा उनका बाँ होता छोटा होता था यानी कि जो फीमर बड़ी होती है ना फीमर की जगह उनकी टांग और जो आर्म है उससे काफ़ी छोटा उनका आम होता था तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मानव की क्षमता वानर से उतनी नहीं है जितनी मनुष्य से है तो फिर भी ये जो भी उनका जो बोन्स जो स्ट्रक्चर है जो उनका कंस्ट्रक्शन है तो देखा जाए तो नंडल जो है वो मैन के वन और वन रो से काफ़ी मिलता जुलता है यानी कुछ बोन्स है जो मानव से मिलते हैं और कुछ बोन्स है वो वन रो से उनका मिलता है यानी एप्स से मिलता है तो प्रिमेटिव मैन का जो भी स्टडी किया गया है तो उसे ये पता चलता है कि ये खड़े होकर तो चलते थे जो कि लीनियापेरा था लेकिन ये इनके पास आवाज़ नहीं थी जीव में जो मांसपेशियाँ होती वो काफ़ी वीक थी जिस रिजल्ट से ये बोल नहीं पाते थे, थे। फ्रांस के ला फ्रीका ला चप्पल और सेंड्स ये सब जगह है जहाँ से मतलब एक लेडीज़ का वे हाथ का मिला है तो पूरा उसका वहाँ से वो बॉन्स स्केलेटन मिला है तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं से हाथ का मिला है कहीं से पैर का स्केलेटन आ मिला है कहीं पे बच्चे का मिला है और कहीं पे बड़े का मिला है कहीं पे बूढ़े का मिला है और कहीं पे जो भी स्टडी किया गया तो उसे ये पता चला कि हाफ़ फ़िज़िकल जो कैरेक्टर्स है वो मैन से मैच करता था एंड हाफ जो फिज़िकल कैरेक्टर्स है वो वो एफ से मैच करता था तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये पूर्ण रूप से मानव की और मतलब विकसित नहीं हुआ था बीच के कड़ी थे ये और इस प्राणी यानी निर्धल का जो पाँव यानी लेके आज के बच्चे की जैसा था बच्चे का पाँव सभी तरह मुड़ सकता है ना और बड़े आदमी का नहीं मुड़ सकता तो इसी तरह से इनका पैर मुड़ जाता था सभी की तरह लेकिन तो कहा जा सकता है कि इस कैरेक्टर के हिसाब से ये मैन से मैच करते हैं मानव खड़ा होकर चलता था यानी इस संबंध में दानों के अधिक का सहमति तो नहीं है क्योंकि कहीं पर कहना है कि ये वानी रहित होने के साथ साथ झुककर चलते थे सीधे खड़े होकर नहीं चलते थे और कहीं कहीं पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि नहीं कि लेग में लीनस पेरा था फीमर था जिस रीजन से सीधे खड़े होकर चलते थे तो इसमें डाउट नहीं है कि प्रेजेंट जो भी मानव है उसे ये काफ़ी वैरी करते यानी विन थे और जो भी उनमें फिजिकल कैरेक्टर्स पाया गया है वो ऐप से मिलता जुलता था और कुछ जो पार्ट है वो मैन से मिलता जुलता था तो कुछ विद्वानों की कथानुसार उनका कहना उनका स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू anthropologist कि ये ही मानव और वानर के बीच की लुप्त कड़ी हैं इस तरह से गायजी डेंडेथल मैन हुआ जो मिडिल पैलेथिक पीरियड में पाया जाता था और बहुत जगह ये फैले हुए वे थे वेस्टर्न यूरोप वेस्टर्न एशिया अफ्रीका हर जगह ये पाए गए थे हर जगह से इनका ह्यूमन स्केलेटन्स मिला है बोन्स मिला है कहीं से मैंडेवल कहीं पर स्कल कहीं पे आम कहीं पे Uh, कुछ ना कुछ uh, uh, मिला है और जो भी इनका जो स्टडी किया गया इनके हड्डियों का और हड्डियों का जो स्टडी होता है उसे ऑस्ट्रियोलॉजी कहते हैं और बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपना अपना व्यू दिया है किन्हीं का कहना था कि ये विलुप्त कड़ी है और मानव और वन मानस के बीच का और किन्हीं का कहना है कि नहीं ये पूरी तरह से uh, नानों से मैच करते हैं किन्नी का कहना था कि नहीं ये वन मानव से मैच करते हैं तो ये अभी तक uh, इस पर स्टडी भी कंटिन्यूसली चल रही है जारी है और टू थाउजेंड सेवन में जो स्टडी हुआ था उसे ये पता चलता है कि जो इनका हेयर का जो कलर था वो रेड था रेडिस था एंड रेड स्किन का जो कलर था वो येलो था और इसके जो इम्पोर्टेंट साइट्स जैसे जर्मनी जिप्रल्टर फ्रांस रोमिकोसलाविया तेस्तीन इत्यादि जगह से ये पाए गए थे तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ जय हिंद